हेलो एवरीवन, आई एम एडवोकेट राबिया अमजद। और जैसे कि आप जानते हैं कि सनम जावेद, तैयबा राजा और उनके समय दीगर और ख्वातीन को पीटीआई वर्कर्स को स्पेशली उठा लिया गया, लेकिन फाइनली अब लोगों को पता लग गया है सनम जावेद का, तैयबा राजा का, उनको अदालत में पेश करने के लिए पुलिस वैन में लेके जाया जा रहा था हाईकोर्ट में। वहाँ के मनाजिर हैं कि 20 दिन के बाद उन देखने को नजर आई हैं। वो जेल से बाहर जब वो आई तो उनसे लोगों ने इंटरव्यू भी लिया, उनसे पूछा कि बहुत सारी खबरें इस तरह की फैली हैं कि आप लोगों के साथ ज्यादती हुई, आप लोगों के साथ जेल में तशद्दुद भी हुआ है, तो कितनी सच्चाई है। सनम जावेद ने, तैयबा राजा ने अपने दिगर पीटीआई वर्कर्स ने सारा अंदर का अहवाल बताया। उन्होंने क्या बताया है आपको सुनवाते हैं। जेल में हमारे साथ कोई ज्यादा नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादा थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सर बात ये कि ये तस्वीर काफी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, इससे ज्यादा आप औरतों की क्या तस्वीर करें। और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें, इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना जरूरी। औरतों की बेगुर्बती करना, आलिया हमजा मलिक 25 दिन से इन्होंने मुझे उठाया हुआ है, 25 दिन हो गया, आज मेरा 25वां दिन है, आज मुझे ये लोग कोर्ट में पेश करें, ये होता है, ये इनको जाकर बताएं। एक और पीटीआई वर्कर का कहना था कि हमें पीटीआई में सपोर्ट देने की वजह से हमें ये सजा मिली है, के साथ खड़ा होने की, पीटीआई के साथ खड़ा होने की सजा दी जा रही है, आईन की बालादस्ती की जंग लड़ने की कितनी सजा देनी है, कानून की और आजादी की जंग लड़ने की। यहाँ 13 लोगों की आइडेंटिफिकेशन हुई है 25 दिन के बाद, और ये इस फासिस्ट हुकूमत की वजह से हो रहा है। वो मौलाना साहब को तितलियां लगते हैं, वैसे की तितलियां में अब हमने जेल में भुगता लिया, सारे भाग जाएंगे, सारे मर्दों की औरतें भाग चुकी, इतनी औरतें भाई भाई कहीं कभी कभी दिन जेल में आता है, ये 2-2 दिन में इस्तीफे दे के भाग गए। तो हम नहीं घबराए, आप लोग भी मत सनम जावेद का ये कहना था कि 25 दिन हो गया हमें इन्होंने इस तरह से डिटेन करके रखा, लेकिन हम नहीं घबराए और ना ही हम घबराने वालों में से, अब हम घबराएंगे नहीं, हमने तो अब जेलें भी काट लिए हैं और इन लोगों को इतना भी नहीं सोचा कि मर्दों की जगह अब ये लेडीज़ वर्कर्स को भी उठाने लग गए हैं, लेकिन हमने इसको फेस किया। इसकी से मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए चैनल की लाइक एंड सब्सक्राइब।